हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं मोटिवेशनल क्लास के रूप में। तो आइए, बिना लेट किए हम इस वीडियो को पढ़ते हैं और इसका भाव निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और आप भी अपना भाव निकालने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं। सांसारिक जीवन के स्वर्ग में पहुँचने के लिए, ठीक, सांसारिक जीवन के स्वर्ग में पहुंचने के लिए कांटों भरे रास्ते से होकर आना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वर्ग में पहुंचने वाले रास्ते को बंद करना चाहते हैं और वह हद तक कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर कब तक? जहाँ यह भाव उत्पन्न हो तो वहाँ सुधार नहीं, सीधे क्रांति होती है। जी हाँ, जहाँ यह भाव उत्पन्न हो वहाँ सुधार नहीं, सीधे क्रांति होती है, अर्थात वहाँ भूकंप नहीं, सीधे ज्वालामुखी आता है। जनाब, वहाँ भूकंप नहीं, सीधे ज्वालामुखी आता है। जनाब, वहाँ सुधार नहीं, सीधे क्रांति आती है। जनाब, तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, समझने के लिए मैं आपको बता दूँ। देखिए मित्र, उच्च पद को प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो उच्च पद को प्राप्त करते हैं, इनमें से कुछ लोग कांटों के रास्ते से होकर आते हैं। कांटों के रास्ते का से तात्पर्य यहाँ कठिन परिस्थिति से होकर आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं। तो जो नहीं करने वाले हैं, यानी कि जिनको कांटे भरे रास्ते का अनुभव नहीं होता है, ऐसे उच्च पद पर बैठने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कठिन परिस्थितियों से होकर उच्च पद का ख्वाब देखते हैं, उनके रास्ते को बंद करना चाहते हैं। वो रास्ते जो कांटे भरे हैं तब भी उनको बंद करना चाहते हैं। कैसे? कांटों को हटाकर आग की ज्वाला बिछाकर, यानी कि और जटिल कर देते हैं उस रास्ते को। लेकिन जिसका सपना होता है वो हार नहीं मानता है, वो आगे बढ़ता ही रहता है, तो आखिर में जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, जो कांटे भरे रास्तों की जगह पर आग की ज्वाला रख देते हैं, लेकिन जिनकी इच्छा होगी जबरदस्त, वो इस ज्वाला से भी होकर आएंगे। आप उनको रोक नहीं सकते हो। अगर यदि रोकना चाहोगे तब भी रोक नहीं पाओगे। तो ऐसे स्थिति में यहां पर सुधार की बात नहीं करते हैं, सीधे क्रांति आती है। क्रांति और सुधार में अंतर होता है मित्र। सुधार का मतलब ये होता है कि व्यवस्था में आई हुई गड़बड़ी को दूर करने का प्रयास किया जाना सुधार होता है, लेकिन क्रांति का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से व्यवस्था को बदल देना, यानी कि पूरी तरीके से धारणा को ही चेंज कर देना। जैसे पूंजीवादी है तो उसको इस तरीके से क्रांति लाओ कि जो समाजवाद में तब्दील हो जाए। तो वही विचारधारा यहां पे, पूंजीवादी विचारधाराओं को खत्म करने के लिए सीधे क्रांति होती है, सुधार नहीं होती है। तो हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके का रास्ता बनाते हैं,
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रास्ते से होकर चलना जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भूकंप नहीं आता है, सीधे ज्वालामुखी आती है, सीधे ज्वालामुखी आती है। और ये ज्वालामुखी न केवल आग भरे रास्ते को समाप्त करती है, बल्कि जो बिछाया हुआ है षड्यंत्र के द्वारा उसको भी समाप्त करके ले जाती है, उसको भी समाप्त करके लेके जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने अभी तत्काल एक मूवी आई हुई थी सुपर थर्टी में आपने देखा होगा इस चीज को। ऐसे ऐसे गरीब के बच्चे थे जो उच्च पदों की सपना देखना चाहते थे, लेकिन जिनको लेकर जाना होता है वो लेकर जाता है, रोकने वाला भी नहीं रोक पाता है। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक साहस, हिम्मत, जुनून, लगन, आत्मविश्वास होना चाहिए मित्र, निश्चित रूप से आप कामयाबी का कदम चूमेंगे, निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी और कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसे लोग नहीं रोक पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो के भाव को समझ गए होंगे। अगर आपका इस पर कुछ सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। तो दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को मैं समापन कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट टाइम एक कोटेशन के साथ, मोटिवेशनल के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।